हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आज है संडे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग टेस्ट वगैरह मार रहे होंगे, ठीक है? नहीं भी मार रहे होंगे तो कोई बात नहीं, रिवीजन कर लीजिए कम से कम, ठीक है? चलिए, तो उसी के बीच में दोस्तों ये आपके बीच एक क्वेश्चन करने वाला है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन समझ लीजिए इसको, ठीक है? इसलिए बोल रहे दोस्तों क्योंकि इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन बिहार जो सचिवालय जो परीक्षा हुआ था, जो पहला दिन एग्जाम मुझे हुआ था वहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, हमें एक क्वेश्चन मिला था, वो हम बताए थे आपको उस टाइम पे भी, लेकिन इस टाइम बताने वाला था कि रिवीजन आपको हो जाए क्योंकि बहुत सारे साइंस का ही पोर्शन है, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, ठीक है? तो शायद देख लीजिए, क्या पता इसमें से एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर दे जाएगा और आपको सलेक्शन के रास्ते तक पहुँचा सकता है, ठीक है दोस्तों? तो जितना कुछ दे रहे हैं आपको वो ईमानदारी से ले लीजिए, आपको फायदा ही करेगा, ठीक है? मिस मत कीजिएगा आज, ठीक है? बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन आपको, छोटा वीडियो है, छोटा एक पेज का PDF है लेकिन शानदार है, ठीक है? और उसमें से कुछ हम झारखंड का भी देख लेंगे, झारखंड का जैसे युवा गिरी को क्या नाम है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज में क्या क्या बोला जाता है वो चीज़ देख लेंगे एक बार, ठीक है? आसानी से देखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे करके देखेंगे, बस वीडियो चला के रजाई के अंदर घुस के एक बार देख लीजिएगा, काम बन जाएगा आपको, ठीक है? ठंड का मौसम भी है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है इधर। चलिए जो भी है, तो चलिए दोस्तों करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पर जुड़ जाइएगा कोई भी PDF पाने के लिए, ठीक है? चलिए ठीक है दोस्तों, ये लग टॉपिक खास करके एग्जाम्पल पूछा था आपको, एग्जाम्पल नहीं पढ़ना आपको टर्मोलॉजी भी पढ़ना, ठीक है? जैसे देखिए, तीन आपको नाम है, एमोनोटेलिक, ठीक है, और देख लीजिए क्या है, और यूरियोटेलिक, और एक और क्या है, यूरिकोटेलिक। तीन आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो देखिए एग्जाम्पल पूछा था पिछले बार बिहार वाला सचिवालय में, देखिए क्या पूछा है यहाँ पे, ये देखिए एमोनोटेलिक में क्या होता है, एमोनोटेलिक में क्या होता है जानवर, एग्जाम्पल पूछ देगा, ठीक है? इसमें क्या होता है दोस्तों, जो नाइट्रोजन होता है किसके फॉर्म में निकलता है दोस्तों, एमोनिया के फॉर्म में। ये याद करना आसान है क्योंकि देखिए एमोनिया लिखा हुआ है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन किसके फॉर्म में निकलता है, एमोनिया के फॉर्म में। एग्जाम्पल इसमें क्या हो गया, एक्वेटिक इन्वर्टिबेट जितने भी होगी, जैसे पोरीफेरा आप लोग पढ़े होंगे, फिशेस पढ़े होंगे, एम्फीबियंस पढ़े होंगे, जितना भी एग्जाम्पल ये सब एमोनियोटेलिक एग्जाम्पल है, समझ गए? एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है? तो एग्जाम्पल देख लिए, ये एम्फीबियन वगैरह। और देखिए दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था, ये एग्जाम में पूछा था बिहार सचिवालय में, ये वाला, ठीक है? ठीक है, देखिए ये वाला ने तीसरा पूछा था यूरियोटेलिक, ये क्या है, यूरियोटेलिक बोलते हैं जिसको। यूरियोटेलिक में क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन जो होता है किसके फॉर्म में बाहर निकलता है, यूरिया के फॉर्म में, जैसे ह्यूमन इंसान यूरिया के फॉर्म में निकलता है नाइट्रोजन, जी आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, तो इतना रखना है, नाइट्रोजन क्या इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, एग्जाम्पल मैन, ह्यूमन बींग समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है? समझ गए ना, यूरियोटेलिक इसको बोलते हैं, यूरियोटेलिक बोलते हैं, एक स्पेलिंग देख लीजिए बढ़िया से, URUOTELIC, अरे है हिंदी देखें यूरियोटेलिक बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, ठीक है? अरे ये होता है यूरिकोटेलिक, देखिए यूरिकोटेलिक, यूरिको एग्जाम में यूरिकोटेलिक, ठीक है? हिंदी देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका आया था बिहार सचिवालय, ये वाला किसी का एग्जाम्पल दे दिया था, जैसे रिप्टाइल्स लिख दिया, ठीक है? बोला किसका एग्जाम्पल है, तो तीन ऑप्शन दे दिया था तीनों, ठीक है? एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक दे दिया नाम में, बताइए किसका एग्जाम्पल। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन किसके फॉर्म निकलता है, यूरिक एसिड के फॉर्म में, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है? ठीक है, पहले एमोनियोटेलिक में क्या बोलते हैं, एमोनिया के फॉर्म निकलता है नाइट्रोजन, यूरियोटेलिक में क्या बोलते हैं, यूरिया के फॉर्म निकलता है जैसे इंसान ह्यूमन बींग, ठीक है? यूरिकोटेलिक में क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड के रूप में निकलता है, किसके रूप में, यूरिक एसिड के रूप में निकलता है, जैसे एग्जाम्पल हो गया सांप, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, लिजार्ड छिपकली सब वगैरह हो गया, लिजार्ड पूछा था एग्जाम में या फिर रेप्टाइल, ये दोनों आपको याद पूरा याद नहीं लेकिन ये दोनों पूछा था शायद, ठीक है? ये शायद नहीं, कन्फर्म था 100% क्वेश्चन पूछा था, आप लोग एग्जाम दिएंगे बिहार सचिवालय का तो देखे होंगे, ये फर्स्ट डे क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट डे के दिन पूछा था, ठीक है? तो ये क्वेश्चन पूछा था, अब रिप्टाइल्स था या फिर लिजार्ड था लेकिन पूछा जरूर था, तो हम सोचे चलिए टॉपिक करवा देते हैं आपको, क्या पता है क्वेश्चन पूछ दे सचिवालय, क्योंकि बिहार और झारखंड में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, एकदम बिहार वाला कॉपी करता है झारखंड में, ठीक है? क्योंकि झारखंड में अपने बस के कुछ है नहीं, क्यों करने भी नहीं आता है उन लोगों ने कुछ, देख ही रहेंगे झारखंड सिचुएशन क्या है अभी से, तो देख लेते यूरिकोटेलिक, देख लीजिए किसके रूप में, यूरिक एसिड के, यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड के फॉर्म में, स्नैक्स, रिप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लिजार्ड। चलिए और देख लीजिए यूरियोटेलिक में क्या था, यूरिया के फॉर्म निकलता है नाइट्रोजन, इसका एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, अपना एग्जाम्पल ले लीजिएगा, ठीक है? एक है एमोनियोटेलिक, इसमें क्या होता है, एमोनिया के फॉर्म निकलता है, जैसे भाई एम्फीबियंस वगैरह, पोरीफेरा जो पढ़े जितना इन्वर्टिब्रेट पढ़े होंगे आप लोग बायोलॉजी में, सब एग्जाम्पल इसका, ठीक है? चलिए और क्वेश्चन यहाँ से, ये आपको झारखंड जीके का है, इसमें युवा गिरी, ठीक है, युवा गिरी के बारे में पूछ देता है, किसी का, जैसे आपको पता ही होगा पहला कौन है संथाल, दूसरा कौन ओराव, तीसरा कौन है मुंडा, चौथा हो, तो देखिए पहला ओराव है, देख सकते हैं आप, पहला नंबर ओरॉन है, दूसरा में पहला संथाल है, दूसरा ओरॉन है, तीसरा मुंडा है, चौथा हो, चार आपको याद ही रखना है,
पूछ सकता है ना कि सबसे ज़्यादा जनजाति कौन है झारखंड में, संताल, दूसरा रौन, तीसरा मुंडा, चौथा हो, ठीक है, तो आपको धूमकुड़िया इसका क्या क्या सॉरी युवा ग्रुप क्या बोलते हैं, इसे एग्जाम्पल पूछ देगा कि संथाल को युवा ग्रुप को, संथाल में युवा ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो घोटुल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घोटुल, तो आपको संथाल और गोंड दोनों गोंड याद रखिएगा, ठीक है, संथाल और गोंड, संथाल और गोंड युवा ग्रुप में क्या बोलते हैं, घोटुल बोलते हैं, तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है, और रौन में धूमकुड़िया बोलते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है, युवा ग्रुप को देखिए, मुंडा असुर और बिरहोर तीनों याद रखना है, तीनों में क्या बोलते हैं, गीति ओड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गीति ओड़ा, ठीक है, गीति ओड़ा किसमें, मुंडा असुर बिरहोर, मुंडा असुर बिरहोर गीति ओड़ा बोलते हैं, और गति ओड़ा देखिए सेम है, हो गीति ओड़ा गति ओड़ा सेम ही चीज़ है, कोई दिक्कत ना, कन्फ्यूजन मत होइएगा, गीति ओड़ा हो या फिर गति ओड़ा हो एक ही चीज़ लगभग में, देखें मुंडा और हो में सेम ही है, एक सौर्य पहाड़ भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सौर्य पहाड़ का बताइए कोडवाहा, सौर्य पहाड़ का क्या बोलते हैं, कोडवाहा, युवा गिरी को सौर पहाड़ को क्या बोलते हैं, कोडवाहा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोडवाहा, और खड़िया जनजाति में क्या बोलते हैं, गोतियो, खड़िया जनजाति में क्या बोलते हैं, गोतियो, ठीक याद रखना है, तो क्या बोले, संथाल और गोंड में गोटुल, ठीक है, गुड, और में क्या बोलते हैं, धूमकुड़िया, मुंडा असुर बिरहोर में क्या बोलते हैं, गितिओड़ा, हो में क्या बोलते हैं, गोतिओड़ा, सौर्य पहाड़ में क्या बोलते, कोडवाहा, क्या बोलते हैं, सौर्य पहाड़ा में कोडवाहा, सौर्य पहाड़ा में पहाड़िया में, पहाड़िया में, और खड़िया में क्या बोलते हैं, तो गोतियो, खड़िया में क्या बोलते हैं, गोतियो, ये इंपॉर्टेंट है एकदम शानदार सियोर शॉर्ट एग्जाम में एकदम आ गया ना एक दोस्तों, तो वाकई इसे बाहर नहीं देगा, फिर युवा ग्रीस क्वेश्चन पूछेगा तो इसे बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है, बहुत सारा है जैसे 32, 33, 32 गो सबसे थोड़ी पूछता है, ये सेलेक्टेड पूछता है कुछ कुछ का, ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा इसको भी, कोई जल्दीबाजी नहीं है, पीडीएफ के थ्रू भी देख सकते हैं, इसको टेलीग्राम में डाल देंगे इसको, ठीक है, और नहीं भी तो एक बार कॉपी में लिख लीजिए आप लोग, ताकि एग्जाम के टाइम एक बार देख के जाए, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है, यूरिको टेलिक और यूरियो टेलिक कन्फ्यूजन होता है, यूरिको को आ रहा है ना एसिड, इसमें देखें CO2 गैस बनाता है एसिड के कारण, एसिड ऐसे याद रख सकते हैं, यूरिक एसिड, जितने भी स्नैक्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लिजार्ड्स जितने भी है सब आता है, यूरियो में एसिड, यूरियो एसिड में देखते हैं यूरिया के फॉर्म में, जैसे इंसान अपना इंसान याद दिमाग में रखना है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और मिनी टेस्ट जो दे रहे दोस्तों आपको, ठीक है, आप लोग का स्कोर अच्छा आ रहा है, लेकिन मिनी टेस्ट जरूर अप्लाई कीजिए, अच्छा दीजिए, आपका नंबर देख रहे हैं 17-18 लोगों का आ ही रहा है, बहुत अच्छा तैयारी इसका मतलब, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए पेपर 2 वगैरह में, काम बन जाएगा आपका, ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।